जी, और बिहार में अराजकता को लेकर पप्पू यादव की पार्टी आज देख रहे हैं किस तरह से सड़कों पर उतरी है। जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और तमाम समर्थक जो है बोइन रोड चौराहे को पूरी तरह से जाम कर दिया। और ये समर्थक आप देख रहे हैं चारों तरफ की जो ये तस्वीरें हैं किस तरह से जो भी लोग हैं उनको मतलब रोका जा रहा है और ये पूरी तरह से यातायात व्यवस्थित है। ये बहुत व्यस्तम चौक है और यहाँ पटना पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। और जिस तरह से पता है, पटना पुलिस को भी पता है कि आज बंद का आह्वान है, लेकिन यहाँ पे हमें जिस पटना पुलिस के हम बूथ के पास हैं वहाँ पे हमें एक पुलिसकर्मी भी नहीं दिख रहा। हम बात करते हैं, कुछ अंदर की तस्वीरें भी हम देखेंगे, क्या यहाँ पे पुलिस के कर्मचारी मौजूद हैं। तो ये पटना पुलिस का ये बूथ है जिसके अंदर की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक भी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद नहीं है और ये है बंद की तस्वीरें। तो ये आप हम इस तरफ अगर हम देखें तो जिस तरह से सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे हमें कोई पुलिसकर्मी दिखा, लेकिन जो बंद समर्थक हैं वो लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से हर एक जगह आगजनी कर उसको रोकने की कोशिश करो। और इस तरफ ये जो इलाका है ये पूरा व्यस्तम इलाका माना जाता है और समर्थक अब पूरी तरह से सड़कों पर उतरे हैं। आप देख रहे हैं एक सिपाही हमें मिले, उनसे हम बात करते हैं। सिपाही जी, आपके अधिकारी लोग कहाँ गए? अधिकारी लोग भाई हैं। कहाँ है अधिकारी? कोई तो दिख नहीं रहा कहाँ है, वो तो ट्रैफिक की पुलिस है क्या? यहाँ पे और कोई है पुलिस का? आ रहे हैं, आ रहे हैं। चलिए, तो ये तस्वीरें हैं, आपको हम चारों तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से बंद समर्थक ने पूरे बिहार बंद का आह्वान किया और बंद के समर्थक अब पूरी तरह से सड़कों पर उतर कर अब कहीं ना कहीं देखिए पुलिसकर्मी आए हैं और वो बंद के समर्थन में उतरे हैं। हम बात करेंगे सर से भी। मनोज जी, आज बंद समर्थन पहले फोटो लेने दीजिए ना पहले। चलिए, तो ये क्या फोटो ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें और किस तरह से अब देखिए पुलिसकर्मी खुद जो है खुद ये जो यातायात बाधित था उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। देखिए हर जगह जिस तरह से बाधित की गई है, यातायात को बाधित किया गया, उसके बाद पुलिसकर्मी अब आए हैं और इस यातायात जो बाधित है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं पटना बोरिंग रोड चौराहे की, जहां हम आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से बंद समर्थक, ये देखिए पुलिसकर्मी अब जो है बंद समर्थकों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है, हटाने की कोशिश कर रही है और खुद थाना प्रभारी मौजूद है यहाँ पे, मनोज जी भी हैं मौजूद है। तो हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं बोरिंग चौराहे से। फिलहाल ये देखिए तस्वीरें हैं किस तरह से पुलिस जो है तमाम जो यातायात बाधित तो उसको हटाने की कोशिश करे। हमारे साथ आम जनता भी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें पटना बोरिंग रोड चौराहे की, ये समर्थक हैं और ये वो लोग हैं, ये आम लोग हैं जो अभी पटना की सड़कों पर उतरे हैं। हम बात करेंगे कुछ लोगों से भी कि क्या लगता है आज बंद का समर्थन इस तरह से जो सड़कों पर उतार हुए, आप क्या कहेंगे? आम जनता को कितनी तकलीफ है? अपने पॉलिटिकल आइडेंटिटी बचाने के लिए बस ये लोग करते हैं, इनका कोई ये नहीं है। ठीक है, आम जनता है तो परेशान होती ही है। चलिए, इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी को बचाने के लिए ये किया जा रहा है और ये तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं ऑफिस जा रहे हैं। ये जो इलाका है आप देख रहे हैं अब जाके कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं वो जा रही हैं और तमाम जो महिलाएं हैं वो भी सड़कों पर आज निकली तो है लेकिन कहीं ना कहीं डर है। तो फिलहाल अब देखना होगा, ये शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में इस तरह से बंद समर्थक जिस तरह से सड़कों पर, महिलाएँ उनसे भी हम बात करेंगे। मैडम, आज बंद समर्थक जिस तरह से उतरे हैं कितनी परेशानी हो रही है आप? बहुत परेशानी हो रही है। क्या चाहते हैं आप, युवा हैं, क्या लगता है देश किस तरफ जा रहा है इस तरह से बंद अगर होता है, विशेष राज्य के दर्जे और तमाम नीतियों को लेकर लोग बंद कर? ये गलत बात है, रोड जाम करना, सबका ऑफिस टाइम है, सब ऑफिस निकलेगा, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो महिला थी, इन्होंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब जिस तरह से देख रहे हैं कि यातायात को पूरी तरह से सुचारू किया जा रहा है, पुलिस जो है खुद लगी हुई है। तो ये जो तस्वीरें हैं बोरी रोड चौराहे की और तमाम जो लोग हैं वो इन तस्वीरों को देख रहे हैं। तो ये अब खाली कराया गया है, ये जगह जो है अब खाली कराया गया है, बोरिंग रोड का चौराहा ये इलाका है। हम चलिए इधर भी बात करेंगे, थाना प्रभारी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी है वो अब कहीं ना कहीं यातायात को खाली करा लिया गया। मनोज, यातायात खाली करा लिया गया, अभी लगातार पटना में स्थितियाँ बनी है, लगातार पटना में स्थितियाँ बनी हुई है। तो आप देख रहे हैं ये थाना प्रभारी, हम इनसे भी बात करते हैं। सर, ये जो स्थितियां बनी हुई है लगातार जिस तरह से आगजनी हो रहा है, पटना पूरी तरह से बाधित हो रहा है, अब क्या लगता है कैसे आप लोग कंट्रोल करेंगे? नहीं, जानकारी मिलने के बाद आए हैं, आप देख रहे हैं कि आवागमन पुनः चालू हो गया है, पुलिस सतर्क है, सब जगह मौके पर मौजूद है। थोड़ी देर के लिए रोड की जाम की स्थिति हुई थी लेकिन पुनः आवागमन चालू हो गया, हम लोग उसको देख रहे हैं। क्या लगता है अभी दिन भर आप लोग कोई मशक्कत करनी पड़ेगी? मशक्कत नहीं, हम लोग सब जगह मौजूद हैं,
उनका जाम है, हम लोग देख रहे हैं, आवागमन सुचारू रहे, लोगों को दिक्कत नहीं हो, हम लोग देखेंगे इसको पूरा करेंगे। चलिए, तो ये थाना प्रभारी उन्होंने कहा कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, इसके लिए ये लगातार प्रयास करेंगे और अब कहीं ना कहीं जो आगजनी हुई थी उसको कम करने का काम करिए। पुलिसकर्मी खुद यहाँ आए हैं और अब जो है यातायात पूरी तरह से सामान्य हो रहा है। सहयोगी संजय के साथ संजीव राय, साधना न्यूज, पटना। चलाओ बंद। अगर आप देख रहे हैं किस तरह से जो बिहार आने यार बिहार बंदकों के साथ पप्पू यादव आज उतरे हैं, हम बात करेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। देख रहे हैं किस तरह से पप्पू यादव आज उतरे हैं और सड़कों पर लगातार निकल रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जे और बिहार में अराजकता को लेकर आप देख रहे हैं किस तरह से पप्पू यादव सड़कों पर उतरे हैं ताकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला जाए। ये पूरे पटना में स्थिति है, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर लगातार इसकी मांग करते रहे पप्पू यादव। पप्पू जी, आप लगातार तो हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम आपको लगातार तस्वीरें, चलिए हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से। चलो पप्पू जी, विशेष राज्य के लेकर आप लड़के लेंगे, विशेष राज्य के लेंगे, बिहार और बिहारी के निर्माण के लिए, हर युवा के रोजगार के लिए, हर किसानों के जीवन के निर्माण के लिए, बाढ़ से मुक्ति के लिए, इन सत सीधा विशेष राज, विशेष पैकेज, हर परिस्थिति में कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइज लगता है। सरकार नीतीश कुमार भी लगातार मांग करते हैं, लीजिए ना, सरकार उन्हीं की है, ले लीजिए, सरकार उन्हीं की है, ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, सबने ठगा। अरे आधा उधर जाओ, आधा उधर आधा इधर, किस तरह से लगातार पप्पू यादव कह रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर वो लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जहां हम खड़े हैं ये है डाक बंगला चौराहे और तमाम जगह की तस्वीरें, किस तरह से पप्पू यादव खुद जो है बंद के समर्थन में उतरे और हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है। ये बंद समर्थक है और हम आपको अब तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये है बंद का असर, आपको हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अब ये स्थितियां हो गई हैं कि किस तरह से बंद समर्थक जो है वो सड़कों पर उतरे हैं। हम ये तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये स्थिति है चौराहे के नज़दीक, तो तमाम जो समर्थक हैं वो किस तरह से लगातार बंद के समर्थन में उतरे हैं। ये तस्वीरें आपको हम लाइव तस्वीरें बिहार दिखा रहे हैं किस तरह से, जो ये देखिए वहाँ भी किस तरह से जो चैनल्स की गाड़ी है वहाँ भी आए, उनको भी रोकने की कोशिश की। हालांकि खुद पप्पू यादव कह रहे हैं कि इनको जाने देना है। तो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे बंद का जो असर है वो दिख रहा है और बंद के असर को आप बखूबी देख सकते हैं। लगातार हम पप्पू यादव के साथ हैं। चलो इंड करो यहाँ से। दूसरे बंद के आह्वान को लेकर लगातार अब समर्थक सड़कों पर उतर चुके हैं। हम डाक बंगला चौराहे और तारा मंडल के आसपास की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो बंद समर्थक के साथ पप्पू यादव भी हैं और तमाम प्रशासन के लोग भी हैं। देख सकते हैं बस जो है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, बसों को बोला जा रहा है रोकने के लिए। पप्पू जी खुद सड़कों पर लगातार उतर रहे हैं और ये हम दिखाने की तस्वीर आपको साफ तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार इनका नारा है, पप्पू जी का लगातार इनका नारा है कि वो